आज हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो बिल्कुल फिट रहे, हर कोई चाहता है कि वो ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा हो। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनका शरीर का वज़न उनका उम्र और हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। आपका भी जितना वज़न है, क्या आपका उम्र और लंबाई के हिसाब से सही है? एक स्वस्थ और सेहतमंद शरीर पाने के लिए सही आकार में रहना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि अभी जितना वज़न है उतना वज़न क्या आपके शरीर के हिसाब से सही है या नहीं। क्या आपका अभी जितना वज़न है उसके हिसाब से आप मोटा हैं या पतला? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपका वज़न उम्र और लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं, तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको अपना शरीर का करेंट वेट, मतलब कि आपका शरीर का अभी जितना वज़न है वो आपको पता होना चाहिए, और आपका लंबाई और उम्र भी ज़रूर पता होना चाहिए। वज़न, लंबाई और उम्र पता करने के बाद आपको अपना BMI चेक करना होगा। तो BMI चेक करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका कितना BMI होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपका BMI 18.5 से कम आएगा तो आप अंडरवेट, मतलब कि पतला हैं। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच आएगा तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, मतलब कि फिट और हेल्दी हैं। अगर आपका BMI 25 से 29.9 के बीच में आएगा तो आप ओवरवेट, मतलब कि मोटा हैं। अगर आपका BMI 30 से 34.9 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत मोटा हैं, और अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटा हैं और आपको वज़न घटाने की ज़रूरत है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि BMI कैसे चेक करें। तो BMI चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का गूगल ओपन करना होगा। अपने फ़ोन का गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में BMI कैलकुलेटर KG टाइप करके आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट साइट पे क्लिक करना होगा, जो कि BMIcalculator.net है। इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको BMI कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर BMI कैलकुलेटर आ चुका है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले एज, आपका जितना भी एज है, मतलब कि जितना भी उम्र है, यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि मेरा उम्र अभी 18 है तो 18 यहाँ पे टाइप कर देते हैं। उसके बाद अगर आप मेल है या फीमेल है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक लगाएंगे, अगर आप मेल है तो मेल पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हाइट डालना होगा सेंटीमीटर में। अगर आपको हाइट फीट और इंच में पता है तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि फीट और इंच को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आपको हाइट डालना होगा। तो मेरा हाइट जैसे कि 1.176 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 176 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वज़न डालना है, जितना भी आपका वज़न है। जैसे कि मेरा वज़न अभी 80 किलो है तो 80 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब सारा चीज़ डालने के बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा BMI 25.8 kg है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एट रिस्क ऑफ ओवरवेट, मतलब कि जैसे कि अभी हम मोटा नहीं है लेकिन मोटा होने की रिस्क है। तो यहाँ पे आप भी अपना ऐसे ही BMI चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा वज़न अगर 100 किलो रहता, यहाँ पे हम अपना वज़न 100 किलो डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि BMI रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ पे BMI 32.3 है, जो कि रेड लाइन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मोटा है। तो आप यहाँ पे ऐसे ही BMI चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज डालना होगा, यहाँ पे आपका मेल है या फीमेल है वो डालना होगा, यहाँ पे आपको हाइट डालनी होगी, और यहाँ पे आपको वेट डालनी होगी, और इसके बाद कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद जितना आता है वहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा BMI कितना है, और आप पता लगा सकते हैं कि आप ओवरवेट है या फिर आप पतला है या फिर नॉर्मल है। और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको कैटेगरी भी पता चल जाएगा कि नॉर्मल के लिए कितना 18.5 से 25 है, और उससे ज़्यादा के लिए 25 से 30 है। तो अगर आपको लंबाई फीट और इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना होगा जितना भी आपका लंबाई है। जैसे कि मेरा लंबाई है 6 फीट, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 6 फीट, और उसके बाद यहाँ पे जितना भी इंच रहेगा उतना डाल देंगे, 6 फीट 6 इंच,
यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 6 फीट 6 इंच का मतलब है 198.12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप भी पता कर सकते हैं कि मेरा लंबाई का सेंटीमीटर में कितना आता है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको BMI चेक करना आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।